श्रेणु हमारे साथ में है और श्रेणु कुछ षड्यंत्र रच रही है इस बार। क्या है ये षड्यंत्र? अभी बता दूंगी तो फिर कैसे चलेगा, ये टिपिकल आंसर होता है ना हर शो का। नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, श्रेणु इज प्लेइंग पावरफुल लेडीज, यंग लेडीज रोल, जो कि है शालिनी पटेल। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड की बहू है एंड षड्यंत्र जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, द होल शो इज़ अबाउट कैसे लोग सत्ता की भूख में एक दूसरे का गला काट रहे हैं, नॉट लिटरली बट दैट्स द शो अबाउट। सो देयर यू गो, मैंने बता दिया, ऐसे नहीं बोला मैंने कि आप देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, बट दैट इज़ द होल शो अबाउट एंड कैसे पावर गेम्स फॉर पीपल हु लव पॉलिटिक्स, कैसे थ्रिल सबको अच्छी लगती है ना, द होल शो इज़ अबाउट दैट। 8 एपिसोड की सीरीज है हमारी बट बहुत ही ट्विस्टिंग टर्न्स है एंड गुजराती इज अ मतलब आप बोलोगे कि रीजनल प्लेटफॉर्म पे ये मासी कैसे होगा, तो आई थिंक पॉलिटिक्स थ्रिल सस्पेंस ड्रामा ये सारे टिक बॉक्सेस जब आ जाते हैं तो लैंग्वेज इज़ नो बार एंड मुझे बहुत टाइम से OTT में यू नो अपना कदम रखना था, तो वॉट बेटर देन माई ओन मदर टंग एंड आई थिंक गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एंड वेब इंडस्ट्री इज़ डूइंग रियली वेल राइट नाउ, स्पेशली विद शिमारू अपने ओरिजिनल्स लेके दे आर कमिंग अप एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इज षड्यंत्र। बहुत ही एम्बिशियसली बनाया हुआ है और सुंदर बैकड्रॉप पे शूट किया है हमने। ओ माय गॉड, शूटिंग एक्सपीरियंस जो है कहाँ कहाँ शूट किया गया है? बहुत ही ग्रैंडियर देखने को मिलेगा, मतलब इट बी अ रिफ्रेशिंग चेंज फॉर ऑडियंसेज ऑल्सो, कि मतलब ठीक है सेम ही बैकड्रॉप पे शूट नहीं किया है, यू विल सी द डिफरेंस एंड इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। सो येस वी शॉट जयपुर में एंड रियल पैलेस में जहाँ पे रॉयल्स अभी भी रह रहे थे, सो दैट्स वेयर वी हैव शॉट एंड ऑफकोर्स स्टार कास्ट के बारे में बोलेंगे तो मतलब मेरे लिए दैट इज एन अवार्ड टू बी ऑन दैट पोस्टर, यू नो विद रोहिणी मैम, अपरा मैम, वंदना मैम, वहाँ पे दीपक घी वाला है, इन सबको मैं मतलब बचपन से देखती आ रही हूँ। आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव वॉच्ड इट बट एक महलो सपनों का करके एक शो आता था जो उस टाइम पे 1000 एपिसोड्स क्रॉस करा था, राइट, एंड इट वाज बाईलिंगुअल, मतलब गुजराती में भी और हिंदी में भी आता था। सो ये वहाँ के कलाकार है दीपक घी वाला एंड वंदना मैम, अपरा मैम, उसके बाद क्योंकि सास कभी बहू थी आया एंड रोहिणी मैम का मैं बोलूँ तो मराठी फिल्म आई वॉच सो मैनी ऑफ देम एंड ऑफकोर्स मुन्ना भाई, मतलब यू नो आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ रील विद जादू की झप्पी वाला, बट फिर भी उनको मैंने झिंगाट पे डांस तो करा है एंड आई बी पोस्टिंग दैट सून, बट आई वॉज वेरी नर्वस एंड दिस इज लाइक एन एक्टर्स ड्रीम टू वर्क विद सच एक्टर्स ऑफ स्टैचर, मतलब इतना मतलब सीखे हैं हम, सो इट वॉज फन, बहुत मज़ा आता था। इससे कुछ कहानियाँ, मतलब जयपुर है और इतनी मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में जब हम चले गए हैं तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस वहाँ के? नहीं नहीं, हमारा वहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिटिकल कुछ ऐसे ओ इसने ऐसे किया मैंने वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वी यूज टू हैव फन, मतलब कभी कभी ऐसे होता था कि हम हॉस्पिटल में शूट कर रहे हैं बिकॉज दे वर रियल लोकेशंस, राइट, तो हमें जगह नहीं मिलती थी तो हम सब एक रूम में लड़कियाँ हैं एक रूम में लड़के हैं एंड इतने किस्से इतनी गॉसिपिंग इतने मज़े किए हैं हमने एंड बर्थडेज होते थे बहुत सारे, तो बर्थडेज पे भी मैं बोल रही हूँ ना मैंने रोहिणी मैम को डांस करते हुए देखा, आई थिंक शी वॉज अ क्यूटेस्ट, आई मीन अपरा मैम यूज टू बी वेरी बिजी, वो एक दो दिन आती थी एंड उसमें सिर्फ उनका काम होता था, जबकि रोहिणी मैम एंड अस वी हम लोग तो रुकते थे पैकअप के बाद भी, वी वुड हैंग आउट एंड यू नो शी इज़ लाइक दीपक सर, अगर दीपक घीवाला की बात करें तो ही सो चार्मिंग एट द एज ऑफ 82, ओ माई गॉड, एंड उनसे कोई भी कॉन्वर्जेशन आप स्ट्राइक करो इतने मज़े आते थे एंड पैकअप के टाइमिंग्स, ओ माई गॉड, जयपुर में कर्फ्यू लगता था और हम कैसे तो शूट कर एक्सप्लोर कर पाए, मतलब कि वहाँ का लॉकडाउन कैसा रहा? किया ना हमने से छुप छुप के जाते थे, पकड़े भी गए थे एक दो बार गाड़ी में, फिर बोलते थे अरे नहीं नहीं हम तो बीकानेर से आ रहे हैं, ओह गॉड सब रुकेंगे नेक्स्ट टाइम मेरे को बोलेंगे तो, बट ऐसा सब हमने किया था ऑब्वियसली बिकॉज शूट आज यार, आई मीन क्या कर सकते हैं, व्हेन यू शूट लाइक ऑन रियल लोकेशंस आपके पास नेक्स्ट डे लोकेशन नहीं होता, तो रात रात तक वी यूज टू शूट, कुछ कुछ तो लेजिट हॉन्टेड फीलिंग्स भी देते थे, मतलब वहाँ के मतलब जयपुर के किस्से कहेंगे, एक लोकेशन था जहाँ पे
लिटरली सबको ऐसे ईरी फीलिंग आ रही थी. आई थिंक जो पार्लियामेंट वाला आप देखोगे तो आपको पता चलेगा व्हेन यू वॉच द शो, वो बंद जगह थी. लाइक लिटरली जैसे वो फिल्म में नहीं ताले मारे होते हैं वैसे लिटरली डोर्स पे ताले मारे हुए थे. एंड वी वर शूटिंग देयर. बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था. एंड कोई तो आके बोल के भी गया कि भाई पीछे से आवाज़ आए तो देख लो. पलटी तो नहीं श्रेणु? मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं. तो बच गई, थैंक गॉड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मी. बच गई मैं. मेरे को हमेशा ईडी से बुलाते हैं यार, डायरेक्शन वाले ही आते हैं, मैम शॉट रेडी है. सो बट नो आई थिंक ऐसे फनी इंसिडेंसेस भी हुए. देन जयपुर वाज सो मच फन. हम लोग क्या खाना खाते थे यार वहाँ पे, एंड शॉपिंग करी हमने बहुत सारी. सो यस, जयपुर वाज वेरी काइंड टू अस. वो 12 दिन हमने फुल एंजॉय किया. इस बार का जो लुक है मतलब पॉलिटिकल थोड़ा एकदम, हाँ लग रहा है ना डिफरेंट. आई मीन यस यस, दिस इज अ खादी एंड ऑल ऑफ दैट. सो यस ऑफ कोर्स यही लुक में जैसे फुल स्लीव्स है उसमें. A lot of full sleeves and collar wale blouses and all. It's a very different look because maine oxidized or silver. This is real silver, just to bring out that class, you know, in the character. Bahut hi sundar, prim and proper. Meri sarees aap dekhoge. It's different from what I have worn till now. हाँ, hairstyle भी जैसे ये सब ये ना accessories में बहुत हमारी जो स्टाइलिस्ट है कल्याणी, उसने एवरीबडी हैज़ वर्कड सो हार्ड. एंड यू नो, एंड इफ यू सी दी अदर एक्टर्स ऑल्सो, लाइक अपरा मैम हैज़ अ सिग्नेचर यू नो ब्लाउज एंड हेयर स्टाइल. लाइक शी इज़ डन लाइक वेरी क्यूट बंस एंड ऑल. एंड रोहिणी मैम हैज़ ऑल्सो गॉट एन एलिगेंस यू नो, बिकॉज शी इज़ लाइक द रॉयल पर्सन एंड ऑल. एंड वंदना मैम इज़ प्लेइंग अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, साउथ इंडियन मैरिड टू अ गुजराती, ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है उनका. तो उनका लुक इज़ वेरी साउथ इंडियनिश. विशाल इज़ लुकिंग डैपर. एंड यू नो देर आर अदर एक्टर्स ऑल्सो हु आर नॉट देयर ऑन द पोस्टर्स, बट दे आर डैम गुड. अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मतलब इनको देखे, इनको देखे, लाइक दिस इज़ लाइक अ प्रोजेक्ट विथ यू नो द बेस्ट कास्ट. आई कैन वाउच फॉर इट. मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में. हिंदी सीरियल्स तो काफ़ी इतने किए हैं और गुजराती वेब सीरीज मतलब मदर टंग, तो कितना हैप्पी मोमेंट था जब ये आया कि करना है? यू नो मोर देन हैप्पी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ. एक तो सबसे पहले अबाउट माय मातृभाषा. एंड मैंने एक फिल्म करी थी गुजराती, उसके बाद आई वाज वेटिंग यार कि कभी कोई मतलब अच्छी स्क्रिप्ट मुझे मिले, बिकॉज आई वाज डाइंग टू यू नो वर्क इन गुजराती इंडस्ट्री. तो बस मतलब उसी टाइम पे सरस्वती माँ ने तथास्तु बोल दिया होगा कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मुझे मिल गई. एंड गुजराती एंड ओटीटी एंड शिमारू, आई थिंक दे वर ऑल टिक 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 विद ऑल दीज स्टार्स विद मी. सो आई थिंक यस, अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है. हिंदी प्रोजेक्ट्स की बात करें श्रेणु, कुछ सी कुछ है पाइपलाइन में अभी? ओटीटी पर तो कदम रख ही लिया है. हिंदी वही मैं कह रही थी, आई हैव ट्राइड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू वेंचर आउट इन माई वेब करियर. सो षड्यंत्र हैपेंड गुजराती में. हिंदी में आई एम कमिंग अप विथ डैमेज्ड सीजन 3. उसकी शूट ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी, बट आई थिंक आई एम गुड टू गो नाउ बैक ऑन माई शूट. एंड सून ऑडियंसेस विल सी मी इन अ वेरी डिफरेंट किक-ऐस अवतार. कोरोना ने श्रेणु को भी नहीं छोड़ा था, तो कैसे कोप अप, कुछ वो भी बताया कि कैसे निकली वहाँ से और फिर इतना शूट एंड ऑल, कितना मेंटेन किया खुद को? यार मेंटेन नहीं किया मतलब, बट एक चीज़ मुझे कोरोना ने आई थिंक बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ कराई है कि ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. एक छोटे से वायरस ने मतलब हम सबकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया है. लाइक आई हैव स्ट्रगल्ड आफ्टर माई कोविड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. And people would say कि मोटी हो गई थी and all of that, but it wasn't that. What struck me was health is so important. और मैं जिंदा थी उसी चीज़ को लेके मैं इतना खुश थी कि मुझे बाकी कुछ दुख दिखाने के अच्छा हाँ मोटी हो गई या मतलब काम नहीं मिल रहा है. आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं जिंदा हूँ. आई हैव सीन सो मैनी लॉसेज मतलब कोविड के चलते, स्पेशली सेकेंड वेव में, वेर आई स्टार्टेड यूजिंग माई इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत लोगों की हेल्प करने में. यार बहुत ज़्यादा दुख होता था व्हेन यू सी दैट यू नो यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन हु इज़ नॉट इवन रिलेटेड, बट फिर भी
किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी के पेरेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे यार दे पहचानने वालों में हमारे लॉसेस हमने देखे ये जो सेकंड वेव मीडिया पीपल कितने लोग मरे यार, कितने जर्नलिस्ट मर गए बेचारे यार अपना काम करते करते, लाइक इट वॉज नोबडीज फॉल्ट. सो आई थिंक कोविड ने मुझे सिर्फ ये सिखाया कि बॉस जिंदगी बहुत कीमती है, अप्स एंड डाउन आते जाएंगे. ऑफकोर्स क्रिएटिव फील्ड वाले कितने ले ऑफ्स हुए, सब कुछ हुआ है, सब सब हो जाएगा, जान है तो जहान है. आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग सच गुड वर्क, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग. तो आई थिंक अभी फिलहाल जिंदा रहें और बस हम फिर से यू नो विल बिल्ड आर फ्यूचर बेटर. श्रेणु का ये षड्यंत्र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मतलब इश्कबाजी तो देखी है, अब षड्यंत्र भी देख ले. अभी देख लो, मतलब यस इट्स अ टोटल टर्न अगेन. मैं तो जानी जाती हूँ रिस्क लेने के लिए, तो अगेन मैंने रिस्क लिया है, बट आई थिंक दिस टाइम आई रियली फील दैट इट्स अ गुड रिस्क. ऑल द बेस्ट यू एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच षड्यंत्र, इट कम्स लाइव ऑन द 24th of June ओनली ऑन शिमारो. थैंक यू.